हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्थी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए लाया हूँ एक छोटी सी कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन दोस्तों इसमें मादा है लार्ज कैप बनने का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसका जो कंपटीशन है वो बिल्कुल ही नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं बिल्कुल ही यहाँ पर लिमिटेड कॉम्पिटिशन है लिस्टेड स्पेस में। और दोस्तों कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का प्रोडक्ट है एयर कंप्रेसर। जी हाँ दोस्तों, एयर कंप्रेसर ये कंपनी बनाती है और काफ़ी अच्छे इसके फंडामेंटल्स हैं। काफ़ी अच्छा ये चार्ट पे दिख रहा है कि इसमें लग रहा है मुझे थोड़े टाइम में ये जो अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर सकता है। तो इस कंपनी के बारे में पूरा आपको बताऊंगा, कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी का फंडामेंटल्स, कंपनी का टेक्निकल चार्ट पे आपको जो है फ्रेश बाइंग लेवल्स एंड टारगेट्स बताऊंगा। तो वीडियो दोस्तों एंड तक देखिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम है दोस्तों इंगर सॉलरेंट। जी हाँ दोस्तों, इंगर सॉलरेंट कंपनी का नाम है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। देखिए कंपनी बेसिकली क्या बनाती है, कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं जैसे आप देख सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर्स, ऑयल फ्लडेड रोटरी एयर कंप्रेसर्स, ऑयल फ्री कंप्रेसर्स। चलिए मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, ये देखिए ऑयल फ्लडेड एयर कंप्रेसर्स, ऑयल फ्री एयर कंप्रेसर्स, सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर्स, प्रोसेस गैस कंप्रेसर्स, पेट कंप्रेस्ड एयर सोल्यूशंस, एंड देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज भी ये कंपनी बनाती है। देखिए एयर कंप्रेसर ड्रायर्स, एयर कंप्रेसर फिल्टर्स, एयर कंप्रेसर कंट्रोलर्स एंड ऑटोमेशंस, एंड एयर कंप्रेसर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज जैसा हमने देख रहे हैं। एयर सर्विसेज भी देती है, देखिए इंस्टॉलेशंस भी ये करती है, परफॉर्मेंस सर्विसेज भी देती है, उनका मतलब सर्विसिंग वगैरह का, ट्रेनिंग्स वगैरह, रीमैन्युफैक्चरिंग, एयर लीक असेसमेंट। और आप देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पर सर्विसेज है जो कंपनी देती है अलॉन्ग विद दी मैन्युफैक्चरिंग। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है बहुत अच्छा है। अब मैं चलिए आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इसका मार्केट शेयर, देखिए आप कितना है कंप्रेसर्स में, 50% का। जी हाँ दोस्तों, 50% का इसका मार्केट शेयर है। अगर इसका हम रेवेन्यू मिक्स देखें तो देखिए एयर सोल्यूशंस में ये 100% यहाँ इसका जो है रेवेन्यू आता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप आप देखिए, बांग्लादेश, आयरलैंड एंड यूएसए, मतलब यूएसए से 20.5% का रेवेन्यू इनका जनरेट होता है, इंडिया से होता है 73.6। तो जोग्राफिकली मतलब सिर्फ इंडिया से ही नहीं दोस्तों, इनका रेवेन्यू बाहर से भी आता है। और अगर हम बात करें इसके कनेक्शंस की, तो आप देखिए इसके कंपटीटर्स कौन है। तो एक कंपटीटर है इसका एलगी इक्विपमेंट्स और किर्लोस्कर माजदा। और यहाँ पर मार्केट कैप आप देखेंगे तो एलगी का है 5000 करोड़ के आसपास, इसका है 2200 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर एलगी से अच्छे दोस्तों फंडामेंटल्स इंगर सॉलरेंट के हैं, अभी आपको थोड़ी देर में यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ। और ये सप्लायर्स देखिए किस किस को सप्लाई करते हैं इसके प्रोडक्ट्स, देखिए AMW लिमिटेड, अशोक लीलैंड, BEML, कमिंस, आइशर, एस्कॉर्ट्स, फोर्स मोटर, गोदरेज, इंडियन रेलवेज, यहाँ देखिए JCB, जॉन डिग्री, जॉन डियर, किर्लोस्कर, महिंद्रा, मित्सुबिशी। यहाँ पर बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे, देखिए बड़े बड़े जो भी इसके सप्लायर्स हैं, बैंको प्रोडक्ट्स को, ये जो बैंको प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर सप्लाई करते हैं। ये देखिए किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड में इसके सप्लायर्स हैं ACC, BPCL, ब्लू स्टार, C8, एलगी, HP, इंडियन ऑयल, रिलायंस, सुदर्शन, टाटा पावर, वोल्टास। यहाँ पर देखिए जितने भी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर सप्लाई जो है प्रोडक्ट्स इनके यूज़ आते हैं, तो वहाँ पर ये सारी मतलब ऑलमोस्ट इन्होंने हर कवर कर रखी है, हर इंडस्ट्रीज में जहाँ पर इनकी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स सप्लाई होते हैं। देखिए सारे नाम आपको यहाँ दिख जाएंगे, देखिए क्रॉम्पटन, कमिंस, डाइमलर, ईटन, आइशर, फीएट, होंडा, ह्यूंडई, जैसे भी, ये देखिए बड़े बड़े नाम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो ये सारे जो हैं इसके सप्लायर्स हैं जहाँ पर ये सप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, एंड सर्विसेज भी ये प्रोवाइड कराते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करें इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की, तरफ इंटरेस्ट इंटरेस्टिंग वैल्यू से अभी कम है, FD के रिटर्न्स वर्सेस FD रेट, मतलब स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन FD, डिविडेंड के अच्छे हैं, एंट्री पॉइंट अच्छा है, नो फ्लैग। तो यहाँ पर हर चीज़ पे यहाँ पर आपको ग्रीन दिख रहा है, और कंपनी आप देखेंगे तो हर पैरामीटर पर यहाँ पर अच्छी लग रही है। अगर चलिए हम इसके फाइनेंशियल्स आप देखें, तो फाइनेंशियल्स हम देखते हैं कंपनी के इधर प्रॉफिट एंड लॉस में। तो देखिए सेल्स 374 करोड़ से बढ़ती हुई 706 करोड़ मार्च में, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 583 करोड़। तो आप देखिए यहाँ पर जो है कंसिस्टेंटली इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट आप देखिए कंसिस्टेंटली 85 करोड़ तक यहाँ पर पहुँच चुका है, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 69 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए यहाँ पर बढ़ता हुआ 14 के आसपास चल रहा है, कंसिस्टेंट है। और ऑपरेटिंग इसका EPS देखिए आप, EPS भी यहाँ पर कंसिस्टेंटली इन्होंने मैनेज कर रखा है अपना, 21 के आसपास, 21, 25, 24 का जो भी एवरेज है इनका यहाँ पर मेंटेन कर रखा है। रिजर्व देखिए कंपनी के बढ़ते हुए 377 करोड़, और फिर बोरोइंग कंपनी की जो है बिल्कुल नेगलिजिबल है, मतलब कंपनी पर बिल्कुल डेट फ्री है। तो यहाँ पर मैं कुछ रेशोज आपको दिखाऊँ, तो देखिए ROC 28.4 का जबरदस्त, ROE 20.5
8 का अच्छा खासा नंबर है यहाँ पर। प्रमोटर्स के पास 75% की होल्डिंग है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आप, प्लेजिंग जीरो है और डेट कंपनी में बिल्कुल नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। अगर मैं इसके आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहूँ तो आप देखिए 75% की शेयर होल्डिंग है। दिसंबर में FIS ने अपनी यहाँ पर थोड़ी सी अपनी बढ़ाई है स्टेक्स, और यहाँ पर DIS ने भी अपनी स्टेक बढ़ाए, ऑलमोस्ट डबल कर लिए हैं। तो यहाँ पर हर पैरामीटर पे अच्छी लग रही है दोस्तों कंपनी, और कंपनी का प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, कंपनी के बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी के जो सप्लायर्स हैं वो काफ़ी बड़े नाम हैं, और मार्केट शेयर देखिए ज़बरदस्त है कंपनी का। तो हर पैरामीटर पे यहाँ पर कंपनी एक अच्छी कंपनी नज़र आ रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आज ये कंपनी आपके लिए परफेक्ट जो है प्राइस पे है। तो चलिए देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। अभी हमको ये यहाँ पर मैं इंगर सॉल्ट एक बार यहाँ पर चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए इंगर सॉल्ट, जैसे मैंने आपको बताया एल्गी इक्विपमेंट्स दोस्तों, यहाँ पर एल्गी इक्विपमेंट भी इसका कंपटीटर है, लेकिन एल्गी इक्विपमेंट्स के ना ही फंडामेंटल इतने अच्छे लगे मुझे और ना ही चार्ट पे इतनी अच्छी लग रही है, बल्कि अगर हम कंपेयर करें इंगर सॉल्ट से तो यहाँ पर इंगर सॉल्ट हर मायने पर यहाँ पर बेहतर नज़र आ रही है। अब देखिए यहाँ पर चार्ट पे आपको दिख रहा होगा जो इसका ऑल टाइम हाई था करीब करीब, अब देखिए 1100 के आसपास है, तो 1100 के आसपास है, तो अभी ये जो है ट्रेड कर रही है करीब करीब 705 पे। तो अभी इसकी अपसाइड देखिए कितनी बची हुई है, अगर हम माने ये ऑल टाइम हाई पे भी अपनी जाती है, क्योंकि जिस प्रकार के इसके फंडामेंटल्स हैं, बिजनेस मॉडल है, ये जरूर डेफिनेटली बाउंस सकती है, और यहाँ से भी करीब करीब 58% के रिटर्न आपको मिल सकते हैं अगर आप इसमें एक लॉन्ग टर्म होराइजन रखते हैं। तो चलिए बात करें अगर इसमें फ्रेश बाइंग की, तो आप देखिए इसका एक ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस था इसका, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, देन फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट इसने लिया, देन ब्रेकडाउन दिया, फिर ये ऊपर गई, फिर यहाँ देखिए करीब करीब ये यहाँ पर इसने कई टाइम पर जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया इसने कितनी बार, देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ चार्ट पे, तो आपको एक क्लियर पिक्चर यहाँ पर नज़र आएगी। तो देखिए यहाँ पर ही करीब करीब यहाँ से वापस नीचे आ गया, यहाँ से ये वापस नीचे आया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ भी इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन फाइनली इसने यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट दिया विद दिस वॉल्यूम, तो गजब का वॉल्यूम है, ब्रेकआउट दिया है। और अब ब्रेकआउट के बाद देखिए एक चीज़ में अच्छी हो रही है कि अब ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर रिट्रेस कर रहा है, देखिए रिट्रेस कर रहा है, इधर रिट्रेस किया इसने, अब यहाँ पर जो है स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये दोस्तों वापस से जो है ऊपर जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है इसकी, जैसा कि चार्ट पे दिख रहा है, जैसा कि मैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मेरे को लगता है कि जो इसका पहला टारगेट होगा वो करीब करीब आपको मैं बताऊँ जो ये ऊपर की लाइन है करीब करीब 834 का होगा, क्योंकि ये इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ 834 तक ये जा सकता है। देखिए 834 तक जाता है तो कितने हमको यहाँ पर रिटर्न मिल सकते हैं, तो करीब करीब आप मान के चलिए 17 से 18% आपको रिटर्न इधर मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 18% के रिटर्न आपको जो है इसमें मिल सकते हैं अगर आप थोड़ा यहाँ पर होल्ड करके चले तो। एक स्मॉल कैप कंपनी है, बेशक यहाँ पर जो है मार्केट करेक्ट हुआ तो करेक्ट हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार की ये बिजनेस मॉडल है, बिजनेस दोस्तों इनका ख़त्म नहीं होगा ऑब्वियसली, अगर मार्केट गिरता है तो मार्केट गिरेगा लेकिन इनका बिजनेस थोड़ी ख़त्म होगा अगर आप एक अच्छा लॉन्ग टर्म होराइजन से इसको यू नो होल्ड करते हैं, तो अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है। और ये जिस प्रकार का ये वॉल्यूम आया है, देखिए इतना वॉल्यूम इसमें लास्ट टाइम पे कभी नहीं आया, यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है इस टाइम पे इस पर। तो अब जैसे ही इंडस्ट्री एक्टिविटीज़ चालू हो रही हैं दोस्तों, यहाँ पर ये परफेक्ट स्टेज पे खड़ा है ये दोस्तों भागने के लिए आगे। तो यहाँ पर आपको ज़रूर इसको एक बार अपनी स्टडी करने के बाद, अपनी रिसर्च करने के बाद ज़रूर एक बार इसमें अपना डिसीजन जो है अपना डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ये कंपनी अब जो है मेरे को लगता है मार्केट स्टेबल रही तो ये ज़रूर यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। जो इसका फर्स्ट टारगेट होगा 18% का होगा 834 पे, और इसका जो सेकंड होगा ऑल टाइम हाई करीब करीब 1100 पे। तो ये था पूरा एनालिसिस, आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी डाउट है क्वेश्चन है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।